इस क्वेश्चन को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, या यूं कह लीजिए डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो लेट y इक्वल्स टू दिस वन से इक्वेशन नंबर वन, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा आपका, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब log x, ठीक है। तो यहाँ पे दो फंक्शन आपके पास है, ये x क्यूब एक फंक्शन हो गया फर्स्ट फंक्शन, और आपके पास log x सेकेंड फंक्शन हो गया, या u v कह लीजिए, पहला u हो गया दूसरा v हो गया। तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, एंड सेकेंड मतलब log x d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब। अब क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे एक ही डेरिवेटिव निकालना है, यहाँ पे एक डेरिवेटिव यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो log x का 1 बाई एक्स होता है, तो x क्यूब इंटू 1 बाई एक्स प्लस log x, और इसका एन एक्स एन माइनस 1 हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x क्यूब से x, एक x कटेगा, x स्क्वायर बचेगा, प्लस 3x स्क्वायर log x हो गया आपका, ठीक है। से इक्वेशन नंबर 2, ये आपका dy बाई dx हो गया, लेकिन ये सिंगल डेरिवेटिव है, आपको निकालना क्या है, डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो डबल डेरिवेटिव के लिए एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा आपका, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, प्लस 3 प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये फर्स्ट है और log x सेकेंड फंक्शन हो गया। यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 3 सबसे बाहर कर लेते हैं, ठीक है। ये सब प्रिकॉशनरी मेजरमेंट होता है, ले लिया करिए, ठीक है, ताकि गलत ना हो। तो फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ log x, और प्लस log x डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 2x प्लस 3 टाइम्स x स्क्वायर, और इसका 1 बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स प्लस log x, और इसका क्या हो जाएगा आपका, 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x x कटेगा, ये x हो गया, यहाँ पे 2x हो गया, तो x हम कॉमन कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 अंदर जाएगा, यहीं कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x, ब्रैकेट हटा देते हैं, दैट बिकम 3x, और ये 3 टू जा 6x हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट हट गया। अब देखिए क्या आ गया आपका, 2x प्लस 3x ये ऐड हो जाएगा, इट बिकम 5x। तो आंसर आपका आ गया फाइनली, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा थोड़ा साफ सुथरा, हमारे पास तो मिटाने की सुविधा है, ठीक है। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये आपका आ गया 5x प्लस 6x टाइम्स log x।